किसी को कोई अगर शौक है चेंज करने का तो वो अपना इनिशिएटिव ले ले। जिन लोगों ने हम पे इतमाद किया इससे कबल वो आज भी हमारे साथ खड़े। अपोजिशन लीडर की हिमायत के लिए वोट पूरे होने का दावा। जियालो ने तब्दीली के ख्वाहिशमंदों को नंबर गेम पूरा करने का चैलेंज कर दिया। मुत्तहिदा तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद मुकमुका की मिसाल करा। पीटीआई की भाग दौड़ बेकार, पहले भी ऐसे मामलों का मुकाबला किया। बाजी पलटने के माहिर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। खुर्शीद शाह को चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन से मुशावरत की हिदायत। अपोजिशन लीडर को हटाने की कोशिश के बाद पीपल्स पार्टी पर मजीद दबाव बढ़ाने का प्लान। तहरीक इंसाफ का सिंध में जलसों का फैसला। पंजाब में भी पावर शो की तैयारियां। सिर्फ आवाम का फैसला काबिले कबूल, वोट के तकद्दस की बहाली कामयाबी होगी। साजिशी जल्द बेनकाब होंगे। नवाज शरीफ की लाहौर में कारकुनों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ को नून लीग का दोबारा सदर बनाने के लिए कोशिशें तेज। इंतखाबी इस्लाहाती बिल की मंजूरी के लिए 4 की बजाय 2 अक्टूबर को कौमी असेंबली का इजलास तलब। पीर को ही सदर मुमलिकत के दस्तखत करने का इम्कान। इंशाल्लाह ताला 2018 में वो नजम सेठी की जगह पे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उम्मीदवार होंगे। परवेज रशीद का इमरान खान पर तंज। वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाले अब अपोजिशन लीडर बनने के लिए हाथ पांव मारने लगे। चेयरमैन पीटीआई अपनी ही पार्टी को तबाह कर रहे हैं। परवेज रशीद के निश्तर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सिविल और अस्करी क़यादत की बैठक। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमरीकी सदर के बयान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़ारिजा के बयानात से मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। ख़ारिजा आसिफ को बरतरफ किया जाए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। नैब कानून का जायजा लेने के लिए पार्लियामानी कमेटी का इजलास। अहम निकात पर इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी ने जजेस और जर्नेलों के एहतसाब की भी तजवीज दे दी। वजीर कानून का दावा। चेयरमैन नैब की तकर्री। राणा सनाउल्लाह भी मैदान में आ गए। डीजीआईबी की खुलकर तारीफें। आफताब सुल्तान ने हर काम मेरिट पर किया। मामलात बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। वजीर कानून पंजाब की गुफ्तगू। डेढ़ दो साल पहले जिन मंसूबों की संगे बुनियाद रखा गया और आप सब वहां पर मौजूद थे, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इस तरह ये मुकम्मल हुए कि जिस तरह जिन और भूत काम करते हैं। शानदार मंसूबों पर हुकूमत का नाम ना लें मगर तारीफ तो करें। वजीर आला पंजाब का मुखालिफीन से शिकवा। झंग में 1263 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के मुआहदे पर दस्तखत। नवाज शरीफ के साथ मुलाकात से मुताल्लिक कयास आराइयां गलत हैं। कोई सियासी एजेंडा है न ही कोई पैगाम लेकर गया। सिर्फ कुलसूम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज की वजाहत। विफाक ने भी बेनजीर भुट्टो कत्ल केस का फैसला लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। बरी किए गए 5 मुलजिमान और दोनों पुलिस अफसरान को सजाए मौत देने की अपील। FIA प्रोसिक्यूटर तब्दील। आर्मी चीफ से पाक बहरिया के सरबराह की अलविदाई मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एडमिरल जकाउल्ला की कौम के लिए शानदार खदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया। आठ मुहर्रम के जुलूस मुल्क भर में रिवायती रास्तों पर रवां दवां। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची DI खान समेत हसास शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुजी मौतल। आशूरा तक कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। पिशावर में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। चमकरी में मकान से 1 बन बारूद बरामद। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार 1 फरार। दलाजा क्रोक के करीब धमाका 5 अफराद जख्मी। फैसला
आबाद में वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, एक ही खानदान के सात अफराद जान बहक। चकवाल के इलाके तलागंग में ऑयल टैंकर पुल से नीचे गिर गया, दो अफराद जान बहक। सोने की दरामद के लिए इंटरेस्टमेंट स्कीम में फ्रॉड का इंकशाफ, 20 करोड़ रुपए का सोना मंगवाया गया, ज्वेलरी के बजाय सब्जी और फल एक्सपोर्ट कर दिए गए। पिशावर से जेवरात एक्सपोर्ट करने की जीडीज दस्तावेजात जाली निकली, हुकाम की तस्दीक। जंगल बयाबा में खंडर नुमा इमारत, कराची के इलाके कोरंगी में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल, अमला न सहूलतें, अवाम परेशान। पेड़ों को जरा सही करने चाहिए, इलाज वगैरह काफी मुश्किलात है। जैसे जैसे डॉक्टर्स आते जाएंगे इसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, अभी फिलहाल आउटडोर चल रहा है, ओपीडी चल रही है। हौसला जवान, मुश्किल आसान, थर पार्कर में खवातीन डंपर चलाने लगी, ड्राइवर बनने के लिए 30 औरतों की तरबियत जारी। पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बच्चों की पैदाइश और अमवात के इंदराज की फीस माफ, ताखीर पर चार्जेस भी खत्म। अफगान दारुलहुकूमत काबुल में खुदकुश हमला, 6 अफराद जान बहक, बच्चों समेत कई जख्म। सलामती काउंसिल में भी रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम की गूंज, म्यांमार ने रवैया ना बदला तो किसी एक्शन से गुरेज नहीं करेंगे, अमरीकी नुमाइंदे का खिताब। सेक्रेटरी जनरल ने सूरत हाल ड्रावना खाब करार दे दी।